नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जब भी हम किसी परेशानी में फंस जाते हैं या हमारा मन परेशान होता है, तब हम भगवान को याद करते हैं। धर्म शास्त्र में भी बताया गया है कि जब भी मन परेशान हो तो ईश्वर के चरणों में चले जाना चाहिए, क्योंकि वह सारी परेशानी को हर लेते हैं। लेकिन कई बार पूजा पाठ करते समय कुछ लोगों के आंखों से आंसू आने लगते हैं। पर आपने कभी यह सोचा है कि जो ईश्वर सबके दुखों का नाश कर देते हैं, उनकी पूजा करते समय हम रो क्यों हैं? अगर नहीं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में कई ऐसी समस्या या कष्ट होते हैं जिसे हम केवल अपने तक ही सीमित रखते हैं या फिर ईश्वर के सामने ही दिखा पाते हैं। ध्यान भी पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जिस व्यक्ति को जिस भगवान में आस्था होता है, वह उनको याद करता है, और जब ध्यान काफी ज्यादा गहरा हो जाता है तो कई बार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति की आंखों से अपने आप आंसू आने लगते हैं। मित्रों, पूजा करते समय आंखों से आंसू निकलना कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। पौराणिक शास्त्रों में बताया गया है कि सृष्टि की प्रारंभ में संपूर्ण ब्रह्मांड पूरी तरह से खाली था। तब अचानक से एक बहुत बड़ा शिवलिंग प्रकट हुआ। उसके बाद पूरे ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा फैल गई। फिर धीरे धीरे पदार्थों का निर्माण होने लगा, जिसमें धातु सहित जल, अग्नि और वायु का निर्माण हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि इस पूरे ब्रह्मांड के कणकण में शिव जी का वास है। यही सकारात्मक ऊर्जा शिव जी है। ऐसे में आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि पूजा पाठ करते समय आपके आंखों से आंसू निकलने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको ईश्वर की कोई दिव्य शक्ति संकेत दे रही है। इसका मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है, यानी स्वयं ईश्वर आपके साथ हैं। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो आप जिस भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, उनसे आपका संबंध बन चुका है और आपकी पूजा भी सफल हो चुकी है। जिस तरह भूख लगने पर खाने का मन करता है और हमें भूख का अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार जब पूजा करते हैं तो आपका मन उनको अनुभव करने लगता है, और जब सच्चे हृदय से एकाग्र होकर इंसान अपनी बात भगवान से कहता है तो उसके आंखों से आंसू निकल आते हैं। इस समय हमारा मन और दिमाग भगवान के भक्ति में लीन रहता है, इसलिए हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं। मित्रों, वैसे तो भारत में बहुत सारे देवी देवता और उनके मंदिर हैं, लेकिन ऐसे में किसी व्यक्ति को कैसे पता चलेगा कि उसे किस भगवान के पास जाना चाहिए या फिर किस मंदिर में जाना चाहिए? तो इसका जवाब स्वयं भगवान ने दिया है कि हे मनुष्य, तुम्हें जिस भी तीर्थ स्थान और जिस भी भगवान की पूजा करने पर आंसू आने लगे, तो वही भगवान और तीर्थ स्थान तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। इसलिए अगर आपको जिस भगवान की पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों में आंसू आ जाएं, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी पूजा सफल हो चुकी है। अब भगवान आपसे प्रसन्न है, अब आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। मित्रों, आंसू आने का एक और मतलब यह भी होता है कि भगवान और भक्त के बीच एक मजबूत प्रेम संबंध भी है, जिसे आज तक आपने जाना ही नहीं है, केवल माना है। मान लेने से प्रेम नहीं होता। जैसे मैंने माना कि आप मेरे माता पिता के समान हो, लेकिन मैंने केवल माना है, मैंने प्रेम नहीं किया है। ठीक उसी प्रकार भगवान को लोग केवल मानते हैं, जानते नहीं। अब जब तक भगवान को जानेंगे नहीं, तब तक आपके आंखों से कितने भी आंसू निकले उसका कोई महत्व नहीं है, और वह भगवान दूर नहीं, आपके अंदर ही है। जब कोई व्यक्ति किसी के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाता है, भावुक हो जाता है, तो उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं, और जब यही स्थिति ईश्वर के लिए हो जाती है, तब भी ऐसा ही होता है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो आंसू एक संकेत है जो साधारण है, लेकिन हम इसकी गहराई को नहीं समझ पाते। मित्रों, इसी से जुड़ा एक और पहलू यह भी है कि कभी कभी पूजा करते समय शरीर में कंपन होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम नियमित रूप से पूरी लगन और श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करते हैं
तब हमारे शरीर में ऊर्जा कंपन शुरू होता है जो दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। यह उस ईश्वर की ही शक्ति होती है जिसे ईश्वर आपकी ओर ही भेजते हैं। यह हमारी पहली प्रारंभिक अवस्था है जो हमें उस अलौकिक शक्ति के अनंत ज्ञान को समझने और उसके पास ले जाने की प्रक्रिया है। जो बड़े बड़े सिद्धि महापुरुष होते हैं वह इस ऊर्जा को बड़ी ही आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन सामान्य लोग इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाते। तो मित्रों, जब भी आपके आंखों से पूजा पाठ करते समय आंसू आने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में आपको भगवान में पूरी आस्था और विश्वास रखकर उनकी अर्चना करनी चाहिए और उन्हें समझना चाहिए। तो मित्रों, आज आपने जाना कि पूजा पाठ करते समय आंखों से आंसू क्यों आते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।